यो जिस भाई को पावर वीडर के बारे में जानना हो और इसे खरीदना हो और गेहूं की कटाई का पूरा आनंद लेना हो और पैसे कमाने हो तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखियो। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों जैसे साड़ी कटने का सीज़न चल रहा है, गेहूं कटने का सीज़न चल रहा है, तो आज हम आपको पावर वीडर के बारे में बताएंगे। और वैसे भी भाइयों ये बिकाऊ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। और सबसे पहले मॉडल की बात करें तो ये मेड इन इटली है और मॉडल ये लिखा हुआ है इसका BCS और मॉडल नंबर है 740। इसका पेट्रोल इंजन है भाई होंडा का और 8 HP का इसका इंजन है, मतलब कि 8 HP आउटपुट करता है ये। और ये जो आगे वाला इसका ब्लेड है, ये इसे काफ कटर भी कह देते हैं। ये बताऊँ इसकी कीमत अगर मैं, ये 35,000 का ये आगे वाला हिस्सा जो ये वाली चीज़ है ना, ये 35,000 रुपये की है। और इसके साथ ना एक रूटावेटर भी आता है जो ट्रंच वीडी के गन्ने में इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि ये पावर वीडर भी और इसका काफ कटर भी और रूटावेटर भी, तीनों चीज़ें बिका हुए हैं ये। और आप और भाइयों 1,70,000 रुपये का है ये, दे देंगे। ये 2019 मॉडल है, बहुत कम चला हुआ है ये। ये इतना गन्ना भी नहीं होता, इनके 30-35 बीघे गन्ना होता है ट्रंच वीडी का, वो करते हैं इससे। और 30-35 बीघे ही गेहूँ होते हैं हर साल इनके, बस वो काटते हैं। ये देखो जैसे गेहूं का सीजन आ रहा है, कोई बंदा ना इसे लेके बहुत बढ़िया एक लेबर का काम कर सकता है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, कहने का मतलब ये है। और इसका एवरेज का मैं बताऊं ना भैया, तो ये बता रहे हैं सरदार जी कि बता रहे हैं कि 10 बीघे में नहीं, 10 लीटर में 18 बीघे इन्होंने गेहूँ काट दिए। और 1 घंटे में कितना गेहूँ काट दे जी? लगभग दिन की एवरेज काट ले तो एक दिन चाहे 15 बीघे गेहूँ एक दिन निकालते हैं। एक दिन में ऐसे कह रहे कि 15 बीघे गेहूँ काट देता है। और कम से कम भी ना 6-7 बंदे इसके पीछे चाहिए बढ़िया, जो इसकी पूली बांध देंगे, नहीं तो इतनी तेज कटाई करता है बहुत ज़्यादा। और आप भाइयों जैसे ये काफ कटर लगा हुआ है इसके आगे, और जैसे यहाँ पे ना रूटरी लगाएंगे तो देखा होगा आपने, रूटरी हमेशा पीछे होती है और इंजन आगे होता है। तो ये कैसे होता है मैं ये बता रहे आपको, ये घुमा के दिखाएंगे, ये ऐसे घूम जाएगा, ये देखो सब कुछ एडजस्टेबल है भाई इसमें। ये देखो ये गियर निकाल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ना ये टाइट चल रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे ना अब ये काफ कटर खुल जाएगा। ये दो काबले दिए हैं ऐसे, ये वाले और ये ऊपर की स्पोर्ट है। ये होने के बाद यहाँ पे रूटावेटर लग जाएगा और ट्रंच विधि में हम बहुत बड़े इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई इसके ये गेयर हैं, गेयर बताइए भाई कैसे कैसे हैं इसके। ये तो पीडीओ का गेयर है इसका, जैसे ये चलेगा ना। अच्छा ये किस चीज़ का है? ये पीटीओ का हाई लो। अच्छा, ये हाई लो का है, मतलब कि कम जल्द तेज करने का ना। और ये लाल रंग का रेस है ये वाली चीज़, पीछे वाली वाला। अच्छा आगे पीछे करने का, ये डिफरेंस लॉक है, डिफरेंशियल लॉक है, क्या दोनों पहिए एक साथ काम करवाने के लिए। अच्छा, उसके लिए है ये वाली चीज। और ये चीज, ये जब इंजन स्टार्ट नहीं होने का, अगर ये ऊपर रहेगा तो स्टॉप। अच्छा, ये इंजन रोकने के लिए ये लाल बड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ, और ये वाली चीज जो दे रखी है, ये हैंडल एडजस्टमेंट, अच्छा ठीक है। अब जितना नीचे है इतना ही ऊपर करके दिखा देता है, देखिए अगर आदमी छोटा। अच्छा, ये वाला हैंडल, ये देखो भाई ये हैंडल, जैसे रेंजर साइकिल में आते थे ना, वही सिस्टम दे रखा बिल्कुल, छोटे बड़े आदमी के हिसाब से हैंडल लग जाता है। हाँ, ये देखो भाई ये बहुत बड़ा जुगाड़ है। हम इसके आपको गियर दिखा रहे हैं एक बार, ये गियर है देखो, ये दूसरा और ये न्यूट्रल, ये फिर पहला। अच्छा, ये जब ऐसे फिलहाल कौन से गियर में चल रही है जी इसमें गेहूँ काटने में? दूसरे में। और पहले में जैसे रूटरी चलाते हो तो पहले में चलेगी हो जाएगी? अच्छा पहले में। और जैसे वो तीसरा गियर है इसका, तीसरे में हाई हो जाएगी, तीसरे में। इसके में कौन से चीज में आएगा ये काम? क्या ये तो मकी बाजरा काटने के लिए। अच्छा, मकी बाजरा काटने के तीसरा गियर। और चौथे वाला जैसे घर से आने जाने के लिए। देख लो भाइयों, इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और भाइयों एक बात इसमें आपको और बता दूं, वैसे ना ये छोटी मोटी कंपनियां इससे सस्ते ही बनाती हैं, जैसे कोई देसी कंपनी है या कोई जुगाड़ू टाइप, इन्होंने आगे मोटरसाइकिल का इंजन रख दिया या कुछ टेम्पू का इंजन रख के बना दिया, वो सब फेल है क्योंकि जुगाड़ ज़्यादा दिन नहीं चलता। और ये कंपनी का चीज़ है। मैं किसान भाइयों के एक ऐसी, मतलब कि फ्री में एक सलाह मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, कि अगर आप चीज़ लोगे ना ऐसे इम्प्लीमेंट लोगे तो आपको कंपनी के लेने का ही फ़ायदा है। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो लॉन्ग लाइफ है और इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, बहुत, मतलब कि बहुत ही कम मेंटेनेंस है। और अगर आप लोगे दुबले, मतलब बनी हुई चीज़ें जुगाड़बाजी, तो उसमें मेंटेनेंस बहुत दिखाएगी।
और उसके बाद ये है कि जैसे सीजन चल रहा है, पता लगे कि बीच में खराब हुई खड़ी, सारी के सारी लेबर भाग गई, तो उसमें बड़ी दिक्कत है। तो जब भी आप लो, मैं नहीं कह रहा कि यही लो या इसी कंपनी का लो, कहने का मेरा ये सिर्फ मकसद है कि बहुत मतलब कि ज़्यादातर पता करके लो और अच्छी कंपनी का लो। इसमें 20-30 हज़ार या 50 हज़ार मतलब कि जो 2.5 लाख की चीज़ ले रहा है, अगर वो 20-30 हज़ार देखने लग गया कि 20 हज़ार सस्ती मिलेगी, तो मुझे नहीं तो लगता कि वो कामयाब होगा। भाइयों बिल्कुल बिल्कुल कहते ना अंग्रेजी में शब्द सिक्वेंस, बिल्कुल एक सार गिरती जा रही। ये साथ के साथ भाई हैं लेबर का रखी भाई ने, और इधर देखो, और साथ के साथ पूरी बनती जा रही। अभी ये 5-4 दिन में निकल भी जाएंगे मशीन में को, लान वाली मशीन में को, और जिस भाई को गन्ना बोना ना उसके लिए कम से कम 10 दिन अगेता गन्ना हो जाएगा इस मशीन की वजह से, क्योंकि सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे। और सबसे बड़ी बात है नीचे से कोई बाल नहीं दिखने की तुम्हें, देखो बहुत बढ़िया चल रही। एक बार मोड़ पे देखियो कि मोड़ पे एक बार जुड़े डोल पे ना, डोल पे तो थोड़ी सी 2 फुट जगह जो ऊपर से कट है, ये देखो बस। अब यहाँ देखो कैसे मुड़ेगी, उसी में गियर लगे हुए हैं, वहीं से ही बैक गियर लगा के अपना कर लो। एक बार आगे जाके दिखा रहा भैया तुम्हें, बहुत बढ़िया भाई। जो भाई पैसे लगा सकता हो इसके ऊपर और लेबर कर सकता हो तो बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा है इस सीजन में। मोड़ पे कह देना कि मोड़ पे बहुत नुकसान हो रहा, मोड़ का पता भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी, देख लो खुद देख लो। वीडियो तो चीज़ ऐसी ही है, बोल के तो बता नहीं सकते इसमें, ये तो साथ में दिखाया भी जाएगा और सब आदमी की आँख है, सब देख लें कि बढ़िया चीज़ है घटिया चीज़ है, आदमी सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, या किसी की मार्केटिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, मतलब कि सब पता लग जा, कोई आजकल इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये देखो भाइयों, और ये सस्ता जुगाड़ है। अगर हम कंबाइन की बात करेंगे तो पहले कंबाइन से कटवाना पड़ेगा, उसके बाद भूस बनाने के लिए रीपर चलाना पड़ेगा, वो लंबा काम खिंचा बहुत, क्योंकि कंबाइन से गेहूं निकलने के बाद कम से कम भी 15 दिन बाद भूस बनेगा, और फिर भूस थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, इतना भूस नहीं बनने का, और भूस वो कम निकलेगा, कम से कम भी 1.5 क्विंटल भूस कम निकलेगा। अगर अब जो 6 क्विंटल भूस निकलेगा तो ऐसा मान के चलिए कि 5 या 5.5 क्विंटल ही भूस बनेगा रीपर से, और बहुत ही वेट करनी पड़ेगी। और जल्दी जल्दी काम निपटा रही, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर मजदूर नहीं मिल रहे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये देखो भाई बहुत बढ़िया चल रहा, मतलब कि बहुत ही फुर्ती से काम करने वाली चीज़ है। ये मजदूर लग रहे नारों बांधने भी,
मानते चले जाए, छह सात आदमी हैं, इनका पूरा पार्ट हो जाएगी अकेली।